कृषि कानूनों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन की वजह से आम जनता को आने जाने में असुविधा हो रही है, वहीं किसान इस विरोध स्थल पर अपने खाली समय का आनंद ले रहे हैं। पहले तथाकथित प्रदर्शनकारी विरोध स्थल पर मसाज पार्लरों और जिम के साथ अपने विरोध को आगे बढ़ा रहे थे, वहीं अब इन किसानों ने सार्वजनिक सड़कों को पिकनिक स्पॉट में बदल दिया है, जहां पर पिज्जा, बादाम, काजू और किशमिश भी बांटा जा रहा है। एक यूजर ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें ये देखा जा सकता है कि किस तरह से किसान विरोध स्थल पर पिज्जा बनाते और उसे प्रदर्शनकारियों को मुफ्त में बांटकर अपने समय का आनंद उठा रहे हैं। देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि हरियाणा दिल्ली सीमा पर स्थित विरोध स्थल पर प्रदर्शनकारी एक पिज्जा स्टॉल पर इंतजार कर रहे थे। सोशल मीडिया पर ये सब देखकर इस बात की चर्चा है कि आखिर ये क्या चाहते हैं। गौरतलब है कि वायरल वीडियो में सोशल मीडिया यूजर को अचंभे में डाल दिया। नेटिजेंस ने आश्चर्यचकित होकर सवाल किया कि क्या इन कथित किसानों के विरोध प्रदर्शनों का आयोजन कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी शिकायतों के लिए किया गया था या ऐसी पार्टियों के माध्यम से अपने खाली समय का आनंद उठाने के लिए। वहीं एक अन्य सोशल मीडिया यूजर ने पूछा, क्या किसानों ने विरोध प्रदर्शन को पिकनिक स्पॉट में बदल दिया है। वहीं एक दूसरे यूजर ने कहा कि पहले प्रदर्शनकारियों ने भीड़ को आकर्षित करने के लिए काजू किशमिश वितरित किए, अब विरोध स्थल पर कथित किसानों को पिज्जा खिला रहे हैं। यूजर ने तंज कसते हुए कहा कि आयोजक भीड़ को बनाए रखने और अधिक प्रदर्शनकारियों को आकर्षित करने के लिए ये सब कह रहे हैं। देखो इनका अगला कदम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।